इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अयोध्या से राम मंदिर निर्माण की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं। अब तक आपने राम मंदिर की झलक तस्वीरों में देखी होगी, लेकिन पहली बार राम जन्मभूमि परिसर में इंडिया टीवी का कैमरा पहुंचा है। इंडिया टीवी की ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने सीधे अयोध्या से रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का लाइव वीडियो भेजा है। इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे भव्य मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। राम मंदिर निर्माण का पहला फेज पूरा हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गर्भगृह के नीचे 14 मीटर मोटी चट्टान डाली गई है। इस तरह से राम मंदिर का आधार बनकर पूरा तैयार हो गया है। अगले 2 महीने में राम मंदिर का दूसरा फेज भी पूरा कर लिया जाएगा। आप ये पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त इंडिया टीवी पर देख रहे हैं और ये धर्म पताका जो आप लहराते हुए देख रहे हैं, ये वही इलाका है जहां पर तेजी से काम हुआ है और पहला फेज पूरा हो चुका है। इंडिया टीवी पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। राम मंदिर का आधार बनकर तैयार हो गया है और अगले 2 महीने में दूसरा फेज भी बनकर तैयार हो जाएगा। भव्य राम मंदिर के पहले चरण की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पहले फेज की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर नींव का काम पूरा हो चुका है, आधार बनकर तैयार हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर निर्माण का काम कितना तेजी से चल रहा है, इसकी पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। अयोध्या की राम जन्मभूमि है और यहाँ बन रहा है राम मंदिर, वो राम मंदिर जिसका राम भक्तों को सदियों से इंतजार था। ये भगवा झंडा जो है यहीं पे गर्भगृह है राम मंदिर का, और मंदिर बनेगा तो जो चारों भाई हैं बाल रूप में, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वो यहीं पर विराजमान होंगे। इसी जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 5 अगस्त को भूमि पूजन किया था और 9 शिलाओं का भी पूजन किया था। उन 9 शिलाओं को यहाँ पे नीचे स्थापित किया गया है और मंदिर का निर्माण यहाँ पे तेज़ी से चल रहा है। पहला फेज यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और ये पूरा आपको जो कंक्रीट दिखाई दे रहा है, ये नीचे से मलबा निकाला गया है और लेयर्स डाली गई हैं। 48 लेयर्स डालकर ये पूरा चबूतरा तैयार किया गया है। हमारे साथ VHP के प्रवक्ता शरद शर्मा हैं। किस तरह का निर्माण, ये जो हमें पूरा एक चबूतरा दिखाई दे रहा है, ये एक तरह से नींव पड़ गई है मंदिर? बिल्कुल, ये नींव पड़ गई है और ये 50 फुट गहरा जो है गड्ढा था और इसको नींव भरा गया और अभी तो है 48 लेयर इस पर पड़ चुकी है और आने वाले दिनों में जो है ये लेयर पूरी हो जाएगी और उसके बाद फिर पत्थरों का काम प्रारंभ होगा। तो ये मानकर ट्रस्ट चल रहा है कि अक्टूबर नवंबर से जो है यहाँ पर पत्थरों का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो तीव्रता लाने का पूरा प्रयास है और यहाँ पर सभी लोग जो है बड़े ही उत्साह से और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और हम सब भी उसको देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, यहाँ के कारीगर हैं, वो लगे हुए हैं और बाद में पत्थरों के कारीगर किस प्रकार से उसमें अपनी तीव्रता देंगे, ये आने वाले दिनों में मालूम होगा। किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा इसको, जो यहाँ पे गर्भगृह में यहाँ तक काम हमें दिखाई दे रहा है, किस तरह की? देखिए, दिक्कत तो प्रभु के मंदिर के निर्माण में कोई नहीं है, लेकिन ये है कि कहीं जैसे आज वर्षा हो रही है तो वर्षा के कारण जो है काम थोड़ा रुक गया है और ये वर्षा अगर बीच बीच में होती रही तभी काम थोड़ा रुका, लेकिन आने वाले दिनों में जो है इसकी तीव्रता और भी होगी और मैं समझता हूँ कि अक्टूबर माह में जो है पत्थरों का काम प्रारंभ होगा। और दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट जो है वो चाहता है कि अति शीघ्र जो है रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो, इस सब उनका प्रयास है। क्या समझे जो राम भक्त हैं कि कब तक रामलला विराजमान हो जाएंगे? ये ट्रस्ट ने कहा कि 3 वर्ष में हम जो है गर्भगृह बनाकर देंगे और गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे और मंदिर में दर्शन का कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है तो पूरा जो परिसर है राम जन्मभूमि का, और भी मंदिर बनेंगे भगवान गणेश? देखिए, इसमें जो है हमारे जो हिंदू संस्कृति में है कि मंदिर के साथ साथ उसके 4 गोपुरम बनते हैं और ये गोपुरम जो है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के कोण पर होंगे और साथ ही अन्य जो अगर देवी देवताओं के मंदिर या छोटे जो बनाने होंगे या जो भी करना होगा वो साधु संतों और हमारे ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं वो निर्णय लेंगे। ये जैसे जो लेयर्स डाली हैं किस तरह से डाली हैं, कैसे काम हुआ, एक एक लेयर को डालने में कितना टाइम लगा, कितने ये लेयर जो है यह 1 मीटर की लेयर है और यह जो है 1-1 मीटर से ये ऊपर आएगी, 50 मीटर के स्तर लगभग पहुंच रही है और इस लेयर के बाद जो है
इसमें मोरन सीमेंट और गिट्टी का उपयोग किया गया है। 400 फीट जो है इसकी लंबाई है, 300 फीट चौड़ाई है इस प्रकार से इस लेयर को, और 50 फीट ऊंचाई है लगभग। इस तरह से ये पूरा काम चल रहा है, पहला फेज शुरू हुआ है, फिर अब सेकंड फेज शुरू होगा जो 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। जनवरी से यहाँ पर मलबा निकालने का काम शुरू हुआ था, रडार से सर्वे हुआ था जिसमें ये पता चला था कि नीचे बहुत ज़्यादा मलबा है। यहाँ पीछे सरयू नदी बहती है, सरयू का बालू भी यहाँ पर मिला। 1,20,000 घन फुट मलबा यहाँ से निकाला गया है, उसके बाद ये नींव भराई का काम हुआ है यहाँ पर। और अब जैसे ट्रस्ट का कहना है कि अगले 2 साल में ये भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा और भगवान राम यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। तो यानी जो भक्तों का सदियों से इंतज़ार था वो एक तरह से उसकी पहली झलक आज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में इस राम जन्मभूमि में मंदिर का काम चल रहा है। तो ये पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। राम मंदिर निर्माण का पहला फेज पूरा हो चुका है। गर्भगृह के नीचे 14 मीटर मोटी चट्टान डाली गई है और इसका मतलब ये कि आधार बनकर तैयार हो गया है। और इतना ही नहीं, अच्छी खबर यह है कि अगले 2 महीने में राम मंदिर के दूसरे फेज का निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा। लगातार हो रही बारिश के बीच में और जैसा आपने देखा कि कोविड प्रोटोकॉल के दौरान, लॉकडाउन के दौरान कार्य कई बार बीच में रुका भी, लेकिन इसके बावजूद काम तेजी से चल रहा है और अब पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। मंदिर के आधार बनकर पूरा तैयार हो चुका है, नींव पूरी तैयार हो चुकी है। क्या चट्टाने डाली गई, सीमेंट, गिट्टी, बालू, बजरी जिसका इस्तेमाल किया गया उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और अच्छी बात यह है कि पहले फेज का निर्माण कार्य पूरा हो गया और दूसरे फेज का अगले 2 महीने में, और तीसरे फेज में उसके अगले 3 से 4 महीने का वक्त और लगेगा। मंदिर के सर निर्माण का पहला फेज पूरा हो गया है। अगर आज वर्षा, रात वर्षा ना होती तो 48वीं लेयर इस समय पूरी हो गई थी। बहुत अधिक वर्षा में काम बाधित होता है, तो पहला फेज पूरा हुआ। जमीन के नीचे जहां गर्भगृह बनना है वहां 14 मीटर और बाकी के स्थान पर 12 मीटर मोटी ये चट्टान जमीन में ढाली गई है। ये पूरी तरह से सॉलिड है, इसके ऊपर पानी जमीन के अंदर नहीं जा सकता। 98% डेंसिटी की चट्टान है ये। ये चट्टान मंदिर का आधार बन गया है, यही फाउंडेशन है। इसके बाद का दूसरा फेज भाई शायद 2 महीने में हम पूरा कर लेंगे, और दूसरा फेज पूरा होने के बाद आपको एक बार फिर दिखाएंगे। बाद में तीसरा फेज होगा, उसको भी पूरा करने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। भव्य राम मंदिर के नींव की आप पहली तस्वीर देख रहे हैं। अयोध्या में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के बीच इंडिया टीवी की ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने लाइव तस्वीरें यहां से भेजी हैं। अयोध्या की राम जन्मभूमि है और यहाँ बन रहा है राम मंदिर, वो राम मंदिर जिसका राम भक्तों को सदियों से इंतजार था। ये भगवा झंडा जो है यहीं पे गर्भगृह है राम मंदिर का, और मंदिर बनेगा तो जो चारों भाई हैं बाल रूप में, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वो यहीं पर विराजमान होंगे। इसी जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 5 अगस्त को भूमि पूजन किया था और 9 शिलाओं का भी पूजन किया था। उन 9 शिलाओं को यहाँ पे नीचे स्थापित किया गया है और मंदिर का निर्माण यहाँ पे तेज़ी से चल रहा है। पहला फेज यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और ये पूरा आपको जो कंक्रीट दिखाई दे रहा है ये नीचे से मलबा निकाला गया है और लेयर्स डाली गई हैं। 48 लेयर्स डालकर ये पूरा चबूतरा तैयार किया गया है। हमारे साथ VHP के प्रवक्ता शरद शर्मा है। किस तरह का निर्माण, ये जो हमें पूरा एक चबूतरा दिखाई दे रहा है, ये एक तरह से नींव पड़ गई है मंदिर की? बिल्कुल, ये नींव पड़ गई है और ये 50 फुट गहरा जो है गड्ढा था और इसको नींव भरा गया और अभी तो है 48 लेयर इस पर पड़ चुकी है और आने वाले दिनों में जो है ये लेयर पूरी हो जाएगी और उसके बाद फिर पत्थरों का काम प्रारंभ होगा। तो ये मानकर ट्रस्ट चल रहा है कि अक्टूबर नवंबर से जो है यहाँ पर पत्थरों का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो
तीव्रता लाने का पूरा प्रयास है और यहाँ पर सभी लोग जो है बड़े ही उत्साह से और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और हम सब भी उसको देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, यहाँ के कारीगर हैं, वो लगे हुए हैं और बाद में पत्थरों के कारीगर किस प्रकार से उसमें अपनी तीव्रता देंगे ये आने वाले दिनों में मालूम होगा। किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है इसको जो यहाँ पे गर्भगृह में यहाँ तक काम हमें दिखाई दे रहा है, किस तरह की? देखिए, दिक्कत तो प्रभु के मंदिर के निर्माण में कोई नहीं है, लेकिन ये है कि कहीं जैसे आज वर्षा हो रही है तो वर्षा के कारण जो है काम थोड़ा रुक गया है और ये वर्षा अगर बीच बीच में होती रही तभी काम थोड़ा रुका, लेकिन आने वाले दिनों में जो है इसकी तीव्रता और भी होगी और मैं समझता हूँ कि अक्टूबर माह में जो है पत्थरों का काम प्रारंभ होगा। और दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट जो है वो चाहता है कि अतिशीघ्र जो है रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो, इसका उनका प्रयास है। क्या क्या समझे जो राम भक्त हैं कि कब तक रामलला विराजमान हो जाएंगे? ये ट्रस्ट ने कहा कि 3 वर्ष में हम जो है गर्भगृह बनाकर देंगे और गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे और मंदिर में दर्शन का कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है तो पूरा जो परिसर है राम जन्मभूमि का और भी मंदिर बनेंगे भगवान गणेश? देखिए, इसमें जो है हमारे जो हिंदू संस्कृति में है कि मंदिर के साथ साथ उसके 4 गोपुरम बनते हैं और ये गोपुरम जो है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के कोण पर होंगे और साथ ही अन्य जो अगर देवी देवताओं के मंदिर या छोटे जो बनाने होंगे या जो भी करना होगा वो साधु संतों और हमारे ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं वो निर्णय लेंगे। ये जैसे जो लेयर्स डाली हैं किस तरह से डाली हैं, कैसे काम हुआ, एक एक लेयर को डालने में कितना टाइम लगा, कितने मजदूर? ये लेयर जो है यह 1 मीटर की लेयर है और यह जो है 1-1 मीटर से ये ऊपर आएगी, 50 मीटर के स्तर तक लगभग पहुंच रही है और इस लेयर के बाद जो है इसमें मोरन सीमेंट और गिट्टी का उपयोग किया गया है। 400 फीट जो है इसकी लंबाई है, 300 फीट चौड़ाई है इस प्रकार से इस लेयर को और 50 फीट ऊँचाई है लगभग। इस तरह से ये पूरा काम चल रहा है, पहला फेज शुरू हुआ है, फिर अब सेकंड फेज शुरू होगा जो 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। जनवरी से यहाँ पर मलबा निकालने का काम शुरू हुआ था, रडार से सर्वे हुआ था जिसमें ये पता चला था कि नीचे बहुत ज़्यादा मलबा है। यहाँ पीछे सरयू नदी बहती है, सरयू का बालू भी यहाँ पर मिला। 1,20,000 घन फुट मलबा यहाँ से निकाला गया है, उसके बाद ये नींव भराई का काम हुआ है यहाँ पर और अब जैसे ट्रस्ट का कहना है कि अगले 2 साल में ये भव्य राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा और भगवान राम यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। तो यानी जो भक्तों का सदियों से इंतज़ार था वो एक तरह से उसकी पहली झलक का आज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में इस राम जन्मभूमि में मंदिर का काम चल रहा है। हमारे सहयोगी रुचि कुमार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 2023 तक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। ये जो यहाँ पे आज स्वरूप दिख रहा है राम जन्मभूमि में, कितना काम यहाँ पर हो गया है? नींव के निर्माण का पहला फेज, फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है, पहला चरण पूर्ण। 11,000 घनफुट चट्टान जमीन के नीचे बैठा दी गई है। गर्भगृह पर यह चट्टान 14 मीटर गहरी मोटी है। गर्भगृह छोड़कर अन्य भाग में यह चट्टान 12 मीटर मोटी गहरी है और इस प्रकार 6 महीने के प्रयत्नों से 6 महीने तक 24 घंटे 2 शिफ्ट में काम करने के परिणाम स्वरूप ये पहला चरण आज पूरा हो गया है। अब थोड़ा वर्षा में अंतर आएगा तब हम दूसरा चरण प्रारंभ कर देंगे। दूसरे चरण में क्या क्या काम होंगे? दूसरे चरण में एक लगभग 1.5 मीटर मोटी एक दूसरी चट्टान ढाली जाएगी, वो चूंकि जमीन के ऊपर होगी इसलिए उसके चारों ओर फ्रेम बनाकर रोका जाएगा। तो पहला काम है फ्रेम बनाना, फिर ढलाई करना, वो 1.5 मीटर मोटी होगी। फ्रेम किस चीज का होगा? सामान्यतया जब ढलाई होती है तो लकड़ी का फ्रेम होता है, बहुत अच्छा कुछ लोग करते हैं तो स्टील का भी कर सकते हैं, जैसा भी यहाँ लार्सन टुब्रो के इंजीनियर, टाटा के इंजीनियर तय करेंगे वैसा होगा। फिर तीसरा फेज में हम क्या देखेंगे? आज की आर्टिफिशियल रॉक के ऊपर दूसरा फेस बनने के बाद पत्थरों से प्लिंथ को ऊंचा किया जाएगा। 16 घन फुट
क्षेत्रफल के आयत के लगभग 30,000 पत्थर आएंगे और वो एक के ऊपर एक रखकर प्लिंथ को ऊंचा किया जाएगा। ये थर्ड फेज है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये गर्भगृह है, यहाँ भगवान राम लला बाल रूप में विराजमान होंगे। जब ये मंदिर बन जाएगा तो और भी मंदिर पूरे इस परिसर में बनाए जाएंगे? बहुत सारी बातें अंडर कंसिडरेशन है, तो वो अभी कुछ कहना, विचार के पहले कहना वो ठीक नहीं होगा, इमेच्योर टॉक। लेकिन सो मेनी थिंग्स आर अंडर कंसिडरेशन। कितनी परेशानी आई यहाँ तक पहुँचने में? कोई नहीं, ये परेशानियाँ तो भगवान के काम में आती रहती हैं, बड़े काम में। नहीं नहीं, कोई हम परेशानी नहीं मानते। जो जितना बड़ा आप भी अपना घर बनाएंगे तो दिक्कतें आएंगी, ये बहुत विशाल था, आती रहती है। तो कब तक माने कि राम मंदिर में राम भक्त दर्शन करना शुरू? 2023 का अंत। 2023 का। इस तरह से पूरी तैयारी है कि 2023 के आखिर में यहाँ पर भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, साथ में पूरा जो परिसर है उसमें और भी मंदिर बनाने की बात चल रही है। अयोध्या से राम मंदिर निर्माण की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बार राम जन्मभूमि परिसर में इंडिया टीवी का कैमरा पहुंचा है, क्योंकि राम मंदिर पर शुभ समाचार आया है। जी हां, शुभ समाचार इसलिए क्योंकि राम मंदिर के निर्माण का पहला फेज पूरा हो चुका है। गर्भगृह के नीचे 14 मीटर मोटी चट्टान बनाई गई है और चट्टान के नीचे पानी नहीं जा सकता। चट्टान की डेंसिटी 98% है। मंदिर 98% तक मंदिर का आधार बनकर पूरा हो गया है और मंदिर का दूसरा फेज 2 महीने में पूरा हो जाएगा। तीसरे फेज में उसके बाद 3 से 4 महीने का वक्त और लगेगा। तो लगातार तेजी से काम चल रहा है और संभावना यही जताई जा रही है कि तय समय के मुताबिक ही काम की रफ्तार बनी हुई है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।